बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कोरोना काल में भी अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ताजा मामला मधेपुरा जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र का है, जहां गम्हरिया प्रखंड के सत्ताधारी जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष अशोक यादव को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार जेडीयू अध्यक्ष अपने गाँव जोगबनी में एक पान की दुकान के पास कुछ गांव के लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने प्रखंड अध्यक्ष अशोक यादव पर गोली चला दी। गोली लगने से अध्यक्ष अशोक यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने आनन फानन में घायल अध्यक्ष अशोक यादव को गम्हरिया PHC लाया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सुपौल रेफर कर दिया है, जहाँ इलाज के दौरान मौत हो गयी। अध्यक्ष की मौत के बाद गाँव में सनसनी फैल गयी और परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही इलाके में भी हड़कंप मच गया और अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। मधेपुरा SP संजय कुमार ने बताया कि जल्द ही मामले का उद्भेदन करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें हम लोग की सूचना मिली है, करीब 8 बजे रात की घटना है, तो घटना सूचना मिलने पर मैं खुद भी घटनास्थल पर गया था और पता करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक कोई खास इसमें क्लू नहीं हाथ लगा है, लेकिन टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पर, मोबाइल के सर्विलेंस के आधार पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जल्दी इसमें भी उद्भेदन होगा, गिरफ्तारी होगी। इस वक्त हम मधेपुरा मुख्यालय में, जहां बीती रात गम्हरिया प्रखंड के सत्ताधारी दल के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अशोक यादव को जोगबनी चौक पर बाइक सवार अपराधियों ने गोली चला दी। आनन फानन में परिजन इन्हें नजदीक के अस्पताल सुपौल लेके चले गए, जहां इलाज के दौरान हो गई मौत। परिजनों ने जब इस घटना की जानकारी जिले के SP संजय कुमार और SDPO वसी अहमद को दी, तो मौके पर पहुंचकर घटना का कर रहे हैं छानबीन। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने स्पष्ट लहजे में बताया कि घटना का लिखित कोई आवेदन नहीं मिला है, पुलिस अपने स्तर से वैज्ञानिक अनुसंधान कर रही है, अनुसंधान में बहुत जल्द इसका खुलासा होगा और अपराधियों को पकड़कर सलाखों के भीतर भेज दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि मधेपुरा में इस तरह हत्या पर हत्या जो हो रही है, कब मधेपुरा के पुलिस पदाधिकारी वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे और इस तरह के जघन्य घटना को जो अंजाम दिए हैं, ऐसे अपराधियों को कब तक गिरफ्तार कर सलाखों के भीतर भेज पाएंगे। मधेपुरा से पंजाब केसरी के लिए राजीव रंजन।